महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी माननीय श्री मुकुलजी वासनिक साहेब, आदरणीय मुकुल वासनिक साहेब जिनका इंतजार यहाँ पर 4 बजे से हमारे कांग्रेस कामगार सेल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ काकोट के हमारे सभी साथी पूरे मतदार संघ से आए हुए हमारे सभी मेहमान जिनका मैं तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आप सबका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेशाध्यक्ष कामगार सेल मोहम्मद बदरुजमा साहेब हे शाल व श्रीफळ देऊन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करावं। सर, ये असंगठित कामगार ये देश में इतना बड़ा वर्ग है और खासतौर से महाराष्ट्र में, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ बांधकाम क्षेत्र में काम करने वाले 50 लाख के ऊपर इस राज्य में कामगार है। उसमें सुतार है, बांधकाम गवंडी कामगार है, लोहार है, ऐसे अनेक प्रकार के काम करने वाले एक क्षेत्र में बांधकाम क्षेत्र में कामगार है। बाकी सर खेत में काम करने वाला कष्टकारी मजदूर, दुकानों पे काम करने वाला, होटलों पे काम करने वाला, दुकानों शॉपों पे काम करने वाला, हॉस्पिटल में काम करने वाला, हाथ गाड़ी लौटने वाला, ऐसे अनेक असंगठित कामगार, इनको संरक्षण देने के लिए, इनके हक के लड़ाई लड़ने के लिए महाराष्ट्र में इनका कोई वाली नहीं था। सर, हमने आदरणीय अशोकराव चव्हाण साहब से विनंती की कि असंगठित कामगारों के लिए हमारे कांग्रेस का भी एक सेल होना चाहिए। उन्होंने जब हमारा कंसेप्ट सुना और जब असंगठित कामगार की उन्होंने पूरी हमारी हिस्ट्री सुनी तो उन्होंने महाराष्ट्र में कामगार सेल की स्थापना की हमारे को इजाजत दी। और एक मतलब आप सबसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, पूरे जोरदार तालियों से। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल जरूर है लेकिन हर काम हमारा राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। हम ये सोचे कि असंगठित कामगारों के साथ हम रहकर काम करेंगे तो उनका वोट मिलेगा, वोट मिलने के इरादे से हमको काम नहीं करना। जिस तरह से एक मां अपने बेटे से प्रेम करती है, असंगठित कामगारों से हमारा नाता उसी तरह से रहना होगा। अगर मां अपने बेटे से मोहब्बत करती है, प्रेम करती है, तो बेटा क्या मां को कभी निराश करेगा? असंगठित कामगारों के दिलों में अगर हमारे लिए हम विश्वास पैदा कर लेते हैं और उनके दिलों में अगर हमारे लिए घर बन जाए तो फिर बटन तो पंजे की ही दबेगी और कोई।